ओ देखो मुन्ना पहुंची गए 2.5 किलो के सम का कमाल, और मैंने बकरी बैठ बजा दी मुन्ना। अरे बिल्ली की बच्ची यहाँ देखो, उसके बड़े भाई ने तुम्हारी ढक्कर देखी कर दी क्या? ए भाई आओ, आज हम खेलने वाले और द ट्वीन हॉरर गेम का आइसक्रीम 5 वाला मोड। ओए मुन्ना ये कैसे हो सकता है, और द ट्वीन का आइसक्रीम 5 वाला मोड? और मुन्ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे बिल्ली के बच्चे, तुझे कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर बलवान बाप को तो सारा कुछ समझ में आ गया आज क्या। हे बाम, ये देखो यार, हम पहुंच चुके हैं यार द ट्वीन के आइसक्रीम 5 वाले मोड में, और मैंने यहाँ से क्रोबार को उठाया और ढक्कन खोलेंगे और जाएंगे हमेशा की तरह भाई यहाँ से नीचे। ओए मुन्ना ये तो आइसक्रीम 5 का म्यूजिक है ना, और ये क्या मुन्ना, तू तो यहाँ से नीचे कर गया चुन्नू का इका। ओए मुन्ना तू ये गेम पहली बार खेल रहा है क्या? और हमने पता नहीं कितनी बार ये गेम को खेल चुके हैं मुन्ना, यहाँ से नीचे उतना भी तुम्हें आता नहीं है। ए भाई आओ उसको मारो गोली, और यहाँ पे देखो मुझे मिल गया डायनेमिक बम। और भाई आओ ये आइसक्रीम 5 वाला म्यूजिक तो कमाल का है, और ये क्या मुन्ना, यहाँ पे तो पॉप का बच्चा आ गया। अरे ये क्या हो, ये तो आइसक्रीम 5 का कैश म्यूजिक बच्चा। अरे नहीं मम्मी नहीं, ये कैसे हो सकता, अरे ये ग्रानी भी रोड बन गई बहू, पता नहीं ये कोई सपना तो नहीं है ना क्यों क्या। ए भाओ ये कोई भी सपना नहीं है, और मैंने यहाँ पे डायनेमिक बम को फेंका और अभी ग्रानी की चिट्ठी उठ गई। मुन्ना तूने तो रोड ग्रानी और साथ में रोड बाप की टाकर डिकी कर दी। ओए मुन्ना क्या तो बात है, तुमने तो मौज करवा दी बेटे। अरे उसका मुंह तो देखो बलुआ, ये तो रोड वाला बाप है ना, और ये क्या बलुआ, रोड वाला बग भी आ गया क्या क्या। ए बाप अभी जल्दी से भागना पड़ेगा यार, वरना उसका भाई बग है ना, वो हमसे बदला लेगा यार। यहाँ पे मैं जल्दी से डायनेमिक बम को उठाऊंगा और यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ यार, वरना ये बग का बच्चा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा यार। ओए मुन्ना मगर दरवाजा तो यहाँ से बंद है, तो यहाँ पे कहाँ पे आ गया, और यहाँ से बाहर निकलना चुन्नू कहेगा। हे भाई हो वही तो कर रहा हूँ यार, मगर ये बग का बच्चा यहाँ पे भी लगता आ गया यार। ओए ये क्या मुन्ना, ये रोड वाला बग तो इधर भी घूम रहा है, ओए लगता है उसके जाने का इंतजार करना पड़ेगा। और चला गया क्या, और ये क्या चुन्नू कहेगा इधर ही घूम रहा है, मुझे लगता है हमें यहाँ पे थोड़ी सी आवाज करनी पड़ेगी ताकि ये उस साइड में जाए और यहाँ से हम बाहर निकल सके मुन्ना। अरे बिल्ली के बच्चे, हमने तो उसको अच्छा चकमा दे दिया, वो देखो बउआ वो तो उल्टे वो खड़ा है। अरे नहीं मम्मी नहीं, लगता है उसने फिर से देख लिया बउआ, अभी भागो बिल्ली भागो, वरना हो जाएगी तरी बुरी तरीके से ढक्क टिकी क्यों क्या। और नहीं होगी ढक्क टिकी, रुक जा बाप के बच्चे, और बाप के बच्चे नहीं बाप के बच्चे, और आज तेरी ढक्क टिकी मेरे हाथों से होने वाली है। और यहाँ पे फेंकता हूँ डायनेमिक बम, अभी तेरी जितने जितने उड़ने वाले। आपने तो कमाल कर दिए यार, एकदम कमाल का शॉट मारा, मगर ये कहाँ से आवाज आ रही है यार? और मुन्ना कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, टेंशन मत लिया कर, और जल्दी से मुन्ना इसके ऊपर चढ़ जा, और ये क्रोबार की मदद से, और इस वाले लकड़ी के बक्से को तोड़ना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा, और जल्दी से चाबी मेरे हाथ में आ जा, ये रही स्विच बोर्ड की को मैंने ले लिया मुन्ना बड़ी शॉर्टकट तरीके से। हाँ भैया ये हुई ना भाओ, तब चलो भैया स्विच बोर्ड की को सीधा जाएंगे ऊपर लेके। अरे बिल्ली के बच्चे ऊपर कैसे जाएगा, ऊपर तो ये वाला रोड दादा आ गया, अभी उसका सामना करके मुझे ऊपर जाने को मन लगा बउआ, वरना ये तेरे को डंडा मार के यानी कि उसकी लकड़ी मार के मार देगा क्यों क्या। ए बाओ अगर इसी बात तो आने दो, ग्रंट पे कौन नहीं छोड़ूंगा यार, उसने अभी तो डॉन का लंका रहा यार। और बिना एक काम करते हैं, यहाँ से शॉर्टकट तरीके से ऊपर जाते हैं, और ये कितना नीचे गिर गया, और रुक जा मुन्ना पहले ग्रंट पे को देख लेता हूँ, और ये रोड दादा तो आ नहीं रहे ना मुन्ना। भैया कोई भी नहीं आ रहा यार, रुको रुको भैया, मैंने यहाँ पे एक डायनेमिक बम को देखा था यार। अरे ये क्या भैया, यहाँ पे तो डायनेमिक बम भी नहीं है और कुछ भी तो नहीं है यार। अरे बिल्ली के बच्चे, यहाँ तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तुझे यहाँ से आगे जाना पड़ेगा। अरे नहीं मम्मी नहीं, ग्रंटो का बच्चा तो इधर भी आ गया, अभी तुझे घूम के जाना पड़ेगा क्यों क्या। और घूम के नहीं, मैं तो ऊपर से जाऊंगा, और ये क्या मम्मी की बताएगी, और यहाँ पे रोड दादी भी आ गई, और पता नहीं साइड में से तुझे वो डायमंड भी मिल जाएगा क्या। और अब आप बिल्कुल
बिल्कुल सही बोला तुमने, और स्वीट वर्की को इस बॉल के अंदर लगाऊंगा, और ये दवाई लीवर, और ये देखो मैंने यहाँ पे डायनामिक बम भी पड़ा है, और इसको उठाऊंगा बातें पहले ग्रांड पे के रूम में जाएंगे, और मैंने यहाँ से पेंटिंग के अंदर से शॉर्टकट तरीके से ये वाली चीजों को पहले उठा लेंगे। हाँ भैया बिल्कुल सही बोला आपने यार, जल्दी जल्दी से भैया यहाँ पे क्रच करो, और भैया यहाँ से हैंडविल को उठा लो यार, ताकि हमारा काम और भी आसान हो जाए यार। और मैंने यहाँ तक तो सब सही चला है, और बस यहाँ पे ग्रैनी ग्रैंडपा को ऊपर बुलाना चाहता हूँ, ताकि उन दोनों को मार के मरना हम यहाँ से नीचे चले जाएंगे बड़ी आराम से। ओ, अरे बिल्ली की बच्ची, ये तेरा वाला प्लान है ना वो अनसक्सेसफुल होने वाला बोला, मुझे पता है ग्रैनी ग्रैंडपा यहाँ पे तेरे जाल में नहीं फंसने वाला, क्योंकि उसको पता चल गया कि तुम यहाँ पे डायनेमिक बम लेके खड़े हो। बाप के बच्चे चुप कर जाओ यार, हम जरूर कामयाब हो गए यार। और मिर्णा हम हो गए कामयाब, क्योंकि मैं फौजी मिर्णा, और ये ग्रैनी ग्रैंडपा आए क्यों नहीं, और आ जाना चुन्नू कहेगी, और आ गए मिर्णा रोड ग्रैनी ये ले, और डायनामिक बम तो मैंने यहाँ पे फेंक दिया, अभी ये देखो मिर्णा ग्रैनी के मैंने चटनी बना दी। ओ, अरे देखा बल्ला देखा, बलवंत बाप ने क्या बोला था, तुम्हारा प्लान जरूरी अनसक्सेसफुल होगा, तुमने तो यहाँ पे ग्रैनी और बाप की बहन बचाई, मगर अभी बाप और ग्रैंडपा तो बाकी रह गए, वो तेरी चटनी बनाने जरूर आएंगे बउआ, मैंने बोला था ना क्या क्या। और बाप के बच्चे भूल गया क्या, जब फौजी और साथ में तो फिर टेंशन लेने वाली क्या बात, और आने दो बाप के बच्चे को और ग्रैंडपा के बच्चे को, और दोनों को डायनेमिक बम से उठाऊंगा। और आजा तुम दोनों कहाँ चले गए, और ये क्या मेरा ग्रैंडपा आ गया, ये ले ग्रैंडपा, और खा मेरा 2.5 किलो के बक्की। अरे क्या तो बात है बुआ, तुमने तो ग्रैंडपा को और बक्की बच्ची को मार दिया, अरे वाह रे वाह बुआ, मानना पड़ेगा फौजी ने तो कमाल ही कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल भी कर दिया क्या। और ये तो फौजी का कमाल है, देखते जाओ, अभी यहाँ से जाऊंगा सीधे नीचे की साइड में, और मैंने यहाँ पे मैं और ये वाले बिल को लगा देता हूँ, और ये उठाई मैंने यहाँ से रेड की, और अभी मैंने यहाँ से जाएंगे सीधा दरवाजा खोलने के लिए। हाँ भैया बिल्कुल सही बोला आपने यार, हमने भैया चारों की एक साथ में बैंड बजा दी यार, अभी हमको मारने के लिए भैया कोई भी नहीं बाकी बचा यार। और मैंने ये सब तो तू जानता है ना, तुम्हारे भैया के बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। और खुल जा सिमसिम, ये वाला लॉक भी मैंने तोड़ दिया, अब जाएंगे सीधा शॉर्टकट से मिलना पेंटिंग को लेने के लिए। औ, अरे पेंटिंग को तू कैसे लेगा बल्ला, और ये दीवार के अंदर से कहाँ घुसे जा रहा है, अरे रुक जा बल्ला रुक जा, वरना यहाँ पे ग्रैनी आके तुमको दीवार में ही मार देंगी। बाप डरो मत यार, कुछ भी नहीं होने वाला, आने दो ग्रैनी को, मेरे भैया उनको भी देख लेंगे यार। और यार मुन्ना डायनामिक बम तो मुझे यहाँ से एक मिल चुका है, और ये लगाई छलांग, और ये भी लगाई छलांग, और मुन्ना यहाँ से धरती कब आने वाला है। ओ, अरे क्या बात कर रहा बुआ, भूकंप को नहीं लाना, वरना मैं यहाँ से नीचे गिर के अपनी जान दे दूंगा बुआ, मुझे भूकंप से बहुत ही ज्यादा डर लगता है क्यों क्या। ओए बाप के बच्चे जल्दी से रेडी हो जा फौजी का भूकंप झेलने के लिए, और ये बैठा मैं नीचे, और मुन्ना आने वाला है बड़ा सा भूकंप, और देखो मुन्ना भूकंप आ गया। ओ, अरे मम्मी मम्मी बच्चा लो मुझे, अरे मुझे बहुत ही डर लग रहा है बुआ, मैं नीचे गिर गया तो मेरी जान निकल जाएगी बुआ। और टेंशन क्यों लेता हुआ, ये मैं कहाँ पे आ गया मुन्ना, और ये तो नीचे गिर गया, और पेंटिंग को जल्दी से उठाता हूँ ऊपर, और चलो मुन्ना जल्दी से नीचे आ गया मैं, और भी जल्दी से भागना पड़ेगा। और ये क्या मम्मी, और मुन्ना रोड वाले बाप ने मेरी बैंड बजा दी। ओए भैया ये आपके सच में क्या हो गए यार, रोड वाले बाप ने तो आपकी बैंड ही बजा दी यार। ओए मुन्ना अब इसकी खैर नहीं, और उसने मुझे डंडा मारा ना। ओ, अरे बिल्ली की बच्ची इतने टाइम में भूल गए क्या, उसके हाथों में डंडा नहीं 2.5 किलो का हैमर था वो, उसने तेरे सर फोड़ा इतके क्या। ओए बाप अभी मेरी आता माजी से टक रही है, और जल्दी से पेंटिंग की मदद से इसका सर फोड़ दूंगा। और ये क्या मुन्ना यहाँ पे तो बक्का बच्चा आ रहा है, और आ जा बक्के बच्चे आ जा मेरे पीछे आ जा, और तो तेरे को डायनामिक बम की मदद से ऊपर हवा में भेज दूंगा। अरे बिल्ली की बच्ची दोनों साइड से दोनों भाई आ गए, अब तुम्हारी दोनों भाई की बाण बजने वाली है, सामने देखो बुआ यहाँ पे तुझे डायनामिक बम मिल गया, अरे भागो बिल्ली भागो, अब तुम उसका सामना करने के काबिल ही नहीं हो क्या। मैंने ये मैंने अच्छा किया कीचड़ में छलांग लगा के, वरना वो दोनों भाई मेरी ढक ढकी कर देते। हाँ भैया ये आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, वरना वो दोनों भाई मिल के आपकी चटनी बना देते। ओ, अरे बिल्ली की बच्ची फौजी होके इतना डर काहे को रहे हो, तुम्हारे पास तो डायनामिक बम भी आ चुका है ना, जल्दी से जाओ और सबकी ढक्की टिक्की कर दो ना क्यों क्या। और बाप के बच्चे मैंने
रही होगी। अरे ये क्या बुआ, तेरा वाटो खाली निकल गया। अरे वारे वाह बुआ, तुम तो फेल हो गए क्यों क्या? और बाप के बच्चे बड़ी बड़ी क्या मैम, ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती है, उसमें टेंशन लेने वाले क्या बात। और जल्दी से यहाँ पे नीचे आवाज करूंगा और ग्रैनी ग्रैंडपा या फिर बॉब एंड बक को नीचे बुलाऊंगा, उसके बाद में उन दोनों की फट जाएगी ना, तब यहाँ से मंडा ऊपर चले जाएंगे। और को आया क्या, और ये क्या मंडा, और बक्की मैंने बैठ बजा दी, और चलो दोस्तों यहाँ से जाते हैं ऊपर की साइड में। और ये क्या मंडा, और उसके बड़े भाई बाप ने मेरी चटनी बना दी। अरे मम्मी ये क्यों, पागल फौजी की तो हो गई, टक्कर टिक्की क्यों क्या? ओ जोनू कहेगा मैंने तुम्हें मना किया था ना, इस बाप को अपने साथ में मत लेके आया कर। और यहाँ पे मेरी बहन बच चुकी है और फिर भी ये खुश होते जा रहा है मन्ना। अरे बिल्ली में खुश नहीं हो रहा, मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला कि बिल्ली की तो हो गई, टक्कर टिक्की क्या? इतना भी मत बोलना वरना तेरी बहन बजा दूंगा, और ग्रानी को नहीं मारूंगा पहले तेरे को मारूंगा। ए भैया और चुप कर जाओ यार, आपस में लड़ाई झगड़ा करना बंद करो, और भैया जल्दी से ही अपने सामान को यहाँ से उठा लो और यहाँ से भाग लो यार। मैं तो अपना काम ही करे जा रहा था पर ये पागल बाप का बच्चा बीच में बोल बोल के और मेरे को डिस्टर्ब किया जा रहा है मन्ना। अरे चलो ठीक है बुआ, अब से तेरे को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम अपना काम करते जाओ बुआ, और मैं तो नहीं बोलूंगा बीच में क्यों क्या। चलो ठीक है बाब, अब तो हो गए ना सॉल्यूशन, अब तो भैया यहाँ से जल्दी से सामान उठा लो और यहाँ से मैं समझने के लिए भाग जाते हैं और रोड ग्रैनी और रोड ग्रैंड पे के घर से और साथ में अरे बिल्ली तुम यहाँ पे क्या ढूंढने जा रहे हो, मुझे भी तो बताओ ना, मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूँ। उसके क्या भैया मुझे बताओ ना यार, यहाँ पे आप क्या ढूंढने की कोशिश करे जा रहे हो यार? ओ मन्ना पता नहीं यहाँ पे आयरन डिश कहाँ चली गई, मैंने यहाँ कहीं तो देखी थी। अरे यहाँ पे देखो ना बल्ला, मुझे ये मिल गई आयरन डिश। अरे मैंने बोला था ना बल्ला, अगर तुमने मुझे ये चीज पहले बोली होती ना तो मैं तुमको कब का हेल्प कर चुका होता। क्यों क्या बाप, थैंक यू तुमने आयरन डिश को ढूंढने में हमारी हेल्प की। और मगर मन्ना हमें यहाँ से सबसे पहले ग्रानी से छुटकारा पाना पड़ेगा और तब जाके हम गैप को बीन हो पाएंगे। अरे चलो ठीक है बुआ, टेंशन मत लो, इसको तो मैं देख लूंगा। अरे आना दो ग्रानी को आने दो। और पागल बाप के बच्चे तुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता, तू हमारी क्या हेल्प करेगा? और ये देखो ग्रानी बड़ी यहाँ पे आ रही है, और मन्ना रोड ग्रानी से आने से पहले और फरार हो जा मन्ना। शाबाश यार, आपने तो यहाँ से स्केप को कंप्लीट कर दिए यार। और भैया रोड ग्रानी, रोड वाले ग्रैंडपा और उसके साथ में रोड वाले बॉब एंड बक के घर से भी स्केप कर दिए यार। और मन्ना ये देखो बाप ने तो गुस्से में आके बाप पर हमला कर दिया। अरे क्या तो बात है बुआ, ये देख के तो मुझे और भी ज्यादा मजा ही आ गया। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई ना तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब बटन को दबा देना। और आज का शाउट आउट बलवान बाप की तरफ से मेरे छोटे से, मेरे नन्हे से और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए टक्कर टिक्की और इसके उसके वाला शाउट आउट। और तो चलो दोस्तों, फौजी की तरफ से हमेशा एक ही फंडा और एक ही शाउट आउट रहेगा, वो भी तोड़ देने वाला, फोड़ देने वाला एकदम 1000 किलो का शाउट आउट, इसमें कोई सगत बोल देना। भैया और कोई भी शक नहीं है। और तो चलो दोस्तों, डॉन की तरफ से भी आप सभी को बड़ा वाला और बल्का बेस शाउट आउट यार। तो दोस्तों इसी चैनल को सपोर्ट बनाए रखना, मिलते हैं आप सभी को ऐसी नई और मजेदार वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और फैमिली का भी यार, बाय बाय। और बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना और फैमिली का भी।